हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचईएससी जनरल स्टडीज़ के 24 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अभी ये फुल लेंथ टेस्ट चल रहे हैं, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट चल रहे हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम के जो एस्पायरेंट्स हैं दोनों इसका बेनिफिट हो उनको। जनरल स्टडीज़ के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑप्शनल के लिए भी अवेलेबल है, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। बहुत से आप में से फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने जो देख रहे हैं रेगुलर, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स बिगिन। वेयान, विच इज़ द फर्स्ट विलेज टू वैक्सीनेट all its adult population against COVID, is located in which state या UT? देखिए, ये वेयान गांव है, ये अभी चर्चा में है। इसके कई रीजन्स हैं। पहला तो ये कि ये देश का ऐसा पहला गांव है जो फुली वैक्सीनेटेड हो गया है। इसकी जो एडल्ट पॉपुलेशन है, वयस्क पॉपुलेशन है, वो फुली वैक्सीनेटेड हो गई है। COVID-19 की वैक्सीन इन्होंने ले ली है। सेकंड जो रीज़न है, ये एक बहुत चैलेंजिंग टास्क था, बिकॉज जो स्वास्थ्य कर्मियों की टीम है उनको लगभग 15 से 18 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, पहाड़ी एरिया है, इसलिए काफ़ी चैलेंजिंग टास्क था ये। सभी इसकी तारीफ कर रहे हैं। वेयान कहाँ पे है? वेयान है, ये बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट है, बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आपकी कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप, उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। हु इज़ द हेड ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन ऑन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू कश्मीर में जब से ये आर्टिकल 370 हटाया, उसके बाद से ये डिलिमिटेशन कमीशन बनाया है गवर्नमेंट ने। डिलिमिटेशन कमीशन क्या करता है? कई बार आपने देखा होगा कि आपकी तहसील कुछ और है, लेकिन आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां आप वोटिंग कर रहे हैं वो अलग है। इसका जो मेन टास्क है वो यही होता है, रीड्रॉ करता है ये बाउंड्रीज असेंबली इलेक्शन और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के की जो अभी रिसेंट सेंसस है, ये सेंसस को ध्यान में रख के, जो अभी की सेंसस है उसको ध्यान में रख के, और ये रीड्रॉ करते हैं बाउंड्रीज फॉर वेरियस असेंबली एंड लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये जम्मू कश्मीर के लिए कर रहे हैं अभी। ये जब से अगस्त 2019 में ये स्पेशल स्टेटस रहा है, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, उसके बाद से ये कमीशन बनाया है गवर्नमेंट ने, और इसको हेड कर रहे हैं रिटायर्ड ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, जस्टिस रंजना देसाई। जस्टिस रंजना देसाई ये इस डिलिमिटेशन कमीशन के हेड हैं। मैच करना है इनको लेवल ऑफ टीचिंग एंड मेन प्रोपोनेंट। ये लेवल ऑफ टीचिंग में कितने लेवल होते हैं? लेवल ऑफ टीचिंग के तीन मेथड्स हैं, तीन स्तर हैं लेवल ऑफ टीचिंग के, और ये मेन प्रोपोनेंट मीन्स इसके समर्थक, ये समर्थक, तो इनको मैच करना है। देखिए, पहला लेवल है मेमोरी लेवल, स्मृति स्तर, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल, बोध स्तर, तीसरा रिफ्लेक्टिव लेवल, चिंतन स्तर। ये तीन स्तर हैं। जो मेमोरी लेवल है उसका जो मेन समर्थक रहे हैं हर्बर्ट है, जो दूसरा बोध स्तर है अंडरस्टैंडिंग का, इसके मॉरिशन है, और जो चिंतन स्तर है इसके हंट है। सो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। BH सीरीज विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच सेक्टर? देखिए, ये अभी नया शुरू किया है ऑटोमोबाइल्स में। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है उसने इसको इंट्रोड्यूस किया है, BH सीरीज को।
ये न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क फॉर न्यू व्हीकल्स, नए व्हीकल्स के लिए नया रजिस्ट्रेशन मार्क होगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होते समय जो वाहनों का दोबारा से पंजीकरण करवाना पड़ता था, अगर आप बिहार में हैं और आप यूपी में गए हैं तो आपको दोबारा, या किसी भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो आपको दोबारा से पंजीकरण करवाना था वाहन मालिकों के लिए, ये एक बड़ी टेंशन थी। इससे जो राहत देने के लिए अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये BH सीरीज नंबर प्लेट लॉन्च किया है। इस BH नई सीरीज में क्या होगा, एक तो बेरोक टोक आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं, भले आपका अलग राज्य में कहीं ट्रांसफर हो गया हो, लेकिन वाहन का रजिस्ट्रेशन दूसरे राज्य का है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये कब से लागू हुआ है BH सीरीज, ये लागू हुआ है 15 सितंबर से, 15 सितंबर 2021 से ये लागू हो गया है। इसका जो फॉर्मेट है BH सीरीज का, वो फॉर्मेट है इसका YYY BH 1 2 3 4 एंड देन XX, ये इस तरीके का कोई एक सीरीज है। इसमें जो YY होगा वो क्या शो करेगा, इसमें किस वर्ष व्हीकल का रजिस्ट्रेशन हुआ है। दूसरा BH ये भारत है, एंड जो ये 4 डिजिट है ये 0 से और 9 नंबर का कोई रैंडम डिजिट नंबर होंगे, एंड ये जो XX है ये AA, ZZ, AZ में कोई अक्षर होंगे, ये इसका सीरीज का पैटर्न रहेगा। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑटोमोबाइल। फोर्टीन फाइव सिक्स सेवन विच वॉज लॉन्च्ड रिसेंटली इज द हेल्पलाइन नंबर फॉर विच सेगमेंट ऑफ पीपुल। 1 4 5 6 7, ये जो 1 4 5 6 7 है ये अभी रिसेंटली लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये इस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। ये एल्डर लाइन है, जो बुजुर्ग हैं सीनियर सिटीजन हैं, दे कैन डायल 1 4 5 6 7 फॉर इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस ऑन लीगल फाइनेंशियल हेल्थ एंड सोशल इश्यूज। किसी भी इशू के लिए इनमें से जो एल्डर पीपुल है सीनियर सिटीजन है वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और इसका मेन जो ऑब्जेक्ट है, एम है, ये यही है कि जो सीनियर सिटीजन है उनको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाए, इमोशनल सपोर्ट दिया जाए, या इमीजिएट असिस्टेंस इन एनी कॉज ऑफ केस ऑफ अब्यूज़ वगैरह, जो कोई उनके साथ मिसबिहेव हो तो उनकी हेल्प की जाए। ये सामाजिक न्याय और जो अधिकारिता मंत्रालय है उसने लॉन्च किया है। द इंडियन डिश मिहिदाना विच इज ए GI टैग्ड प्रोडक्ट बिलोंग्स टू विच स्टेट। देखिए अभी एक तो ये जो मिहिदाना है ये बहुत फेमस है ऑलरेडी वेस्ट बंगाल में, स्वीट डिश है, इसको GI टैग मिला है। ये अब वेस्ट बंगाल से इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है बहरीन में, वहाँ पे भी ये काफ़ी फेमस है। ये वेस्ट बंगाल में जो वर्धमान डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये इसका सोर्स है, ये वहाँ की फेमस स्वीट स्वीट डिश है। ये अभी रिसेंटली इसको GI टैग मिला है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द ऑपरेशन ओलिव। ऑपरेशन ओलिव ये लॉन्च किया है जो कुछ लुप्त प्राय हो चुके हैं रिडल कछुए, उनकी सुरक्षा के लिए, जो समुद्री कछुए हैं। ये अभी जो भारतीय तट रक्षक बल है इंडियन कोस्ट गार्ड, उसने लॉन्च किया है ये ऑपरेशन। उड़ीसा में जो लुप्त प्राय ओलिव रिडली कछुए हैं उनकी सुरक्षा के लिए लॉन्च किया है। इसमें दो जहाज़ हमेशा, जो समुद्री जहाज है वो एक तो जो रशिकुल्या रिवर है ओडिशा में उसके समुद्री तट पे होंगे, रशिकुल्या रिवर के, और दूसरा जो देवी रिवर है
ऋषिकुल्या और देवी रिवर दोनों उड़ीसा में हैं, ये इनके मुहाने पर जो गहीर माता समुद्री अभयारण्य है वहाँ तैनात किया जाएगा। गहीर माता समुद्री अभयारण्य यहाँ पे है देवी नदी के तट पे, ये आपको ध्यान में रखना है। भिंडवास हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए रामसर साइट इन विच स्टेट इट लोकेटेड। देखिए जो भिंडवास है ये अभी रिसेंटली रामसर साइट में रिकॉग्नाइज किया है इसको। ये भिंडवास हरियाणा में है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये मीठे पानी का की एक आर्द्र भूमि है, सबसे बड़ा स्थल हरियाणा का ये मीठे पानी का। यहाँ पे जो विंटर सेशन है उसमें बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्पेसीज यहाँ पे भ्रमण के लिए आते हैं, और ये काफ़ी ऑलरेडी फेमस था, लेकिन अभी यहाँ कुछ वार्निंग्स रही है उनकी वजह से रामसर जो आर्द्र भूमि है उसमें इसको महत्व दिया है और रिकॉग्नाइज किया है। ये हरियाणा में है भिंडवास। अभी रिसेंटली है जो कुछ प्लेसेज हैं उनको रामसर में रिकॉग्नाइज किया गया है, चार साइट्स को, टोटल फोर साइट्स को, जो इंडियन वेटलैंड साइट्स हैं उनको रामसर में रिकॉग्नाइज किया गया है। ये साइट्स हैं, एक तो ये हैं वधवाना और थोल, वधवाना और थोल ये दो जो साइट्स हैं ये गुजरात की हैं, और दो साइट्स सुल्तानपुर एंड देसवन भिंडवाना, ये दोनों हैं हरियाणा में, सुल्तानपुर एंड भिंडवास। और ये चर्चा में इसलिए है कि ये हरियाणा का पहला रामसर साइट है। भिंडवास इज द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ हरियाणा। रामसर साइट्स के बारे में आपको नहीं पता है तो ये एक इंटरनेशनल महत्व है इसका, जो 1971 में रामसर 1971 में ईरान के एक शहर है रामसर, वहाँ पे जो वर्ल्ड की जितनी भी आर्द्र भूमि है वेटलैंड है उनका स्थाई एक उपयोग या उनका संरक्षण के लिए जो यूनेस्को है, यूनेस्को ने एक इंटरनेशनल ट्रेटी पे हस्ताक्षर किए हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई है। ये 1975 में एग्जिस्टेंस में आई थी, 1971 में ये इसका हुआ था ऑर्गेनाइजेशन, इसका कॉन्फ्रेंस हुआ था, लेकिन इसका एग्जिस्टेंस में ये जो संधि आई है ये 75 में आई थी, इसको रामसर संधि भी कहते हैं। रामसर का क्वेश्चन है तो अभी आपको ध्यान रखना है कि इंडिया में टोटल प्रेजेंट में अभी कितने रामसर स्थल है। टोटल 46 रामसर स्थल है अभी अक्टूबर अभी तक है जो इंडिया में। भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा था? जो पहला रामसर स्थल था ये अक्टूबर 1981 में ये घोषित किया गया था। एक साथ दो स्थलों को सबसे पहले रामसर स्थल घोषित किया गया था, और वो दो स्थल हैं, एक तो ओडिशा में जो चिल्का लेक है वो, और राजस्थान में जो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है, इन दोनों को अक्टूबर 1981 में सबसे पहले भारत के दो रामसर स्थल घोषित किए थे। मैच करना है इनको, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। ये ट्रोपोस्फियर है जिसको आप सौभ मंडल कहते हैं, स्ट्रेटोस्फियर है जिसको समताप मंडल कहते हैं, आयनोस्फियर है जिस आयनोस्फियर है ये आयन मंडल कहते हैं, ये बहिर्मंडल है एक इस तरीके से, आपको पता होगा। इनको मैच करना है कि ये किससे एसोसिएटेड है। जो ट्रोपोस्फियर है ये फेमस है डस्ट पार्टिकल्स के लिए। समताप सौभमंडल का पता होगा आपको, ये ध्रुवों से 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पे। इसमें ट्रोपोस्फियर में 165 प्रति 165 मीटर की हाइट पे टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। इसी को नॉर्मल लैप्स रेट भी कहते हैं, जो सामान्य ताप पतन दर है वो इसी को बोलते हैं। दूसरा स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर है
ये ओजोन लेयर से एसोसिएटेड है, इसमें तापमान स्थिर रहता है। और आपने देखा होगा वो जो वायुयान चालक है वो यहाँ पे विमान उड़ाना पसंद करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में। यहाँ पे 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद टेम्परेचर में अचानक से इंक्रीज होने लगता है टेम्परेचर। यहाँ ओजोन गैस है, ओजोन गैस है जो वो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है। ये इस ज़्यादातर इसको क्यों चूज़ करते हैं जो फ्लाइट्स वगैरह है इस रीज़न को, क्योंकि यहाँ पे जो मौसमी हलचले हैं, जो वेदर चेंज है, वो यहाँ नहीं होता है। आयनोस्फीयर ये मेटेओर से एसोसिएटेड है। इसकी जो हाइट होती है 82-600+ किलोमीटर के बीच में होती है इसकी। और ये जो आवेशित कण होते हैं विद्युत के, उनकी अधिकता होती है इसमें। ऊंचाई के साथ साथ इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। ये इसके कई पार्ट्स हैं, कई परतें हैं आयनमंडल की, आपने पढ़ा होगा। और नेक्स्ट दिस वन, सो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। अभिषेक वर्मा हु रिसेंटली वॉन ए गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? देखिए, अभिषेक वर्मा क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट मैन टू विन टू वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल्स इन इंडिविजुअल आर्चरी। इंडिविजुअल आर्चरी में दो गोल्ड मेडल जीते हैं। वर्ल्ड कप में इन्होंने अभी रिसेंटली जीता था, जो आर्चरी वर्ल्ड कप हुआ है वो हुआ था पेरिस में, यहाँ पे जीता है इन्होंने। और इससे पहले इन्होंने 2015 में जीता था गोल्ड मेडल, वो हुआ था जो व्रोकला है, व्रोकला शहर है, व्रोकला में जीता था। और व्रोकला कहाँ है? व्रोकला है ये पोलैंड में है, पोलैंड में जीता था इन्होंने। वट इज़ द नेम ऑफ इसरोज स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस सेंटर? जो इसरो का स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस सेंटर है, ये अभी रिसेंटली सेटअप किया है। ये डेडिकेटेड कंट्रोल सेंटर फॉर स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, और इसका नाम रखा है नेत्रा। इसका एम है मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग और जो इंडियन स्पेस एसेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसको कहाँ सेटअप किया गया है? इसको सेटअप किया गया है पेन्या, बेंगलोर में। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा प्राइम मिनिस्टर ने एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस, जिसमें लॉन्च किया है इंडियन स्पेस एसोसिएशन। इंडियन स्पेस एसोसिएशन को लॉन्च किया है, इसके बारे में ज़रूर पढ़ना आप। ये एक सिंगल विंडो कर दिया है अभी गवर्नमेंट ने, एक एंड इंडिपेंडेंट एजेंसी ऑन मैटर रिलेटेड टू स्पेस टेक्नोलॉजी के मैटर। अभी कौन देखेगा? ये देखेंगे अब। जैसे पहले CDS बना था वैसे उसी तरीके का बना है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन दैट वॉज फाउंड इन 1851? जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन फाउंड हुआ था 1851 में, उसके प्रेजिडेंट कौन थे? इसके प्रेजिडेंट थे राधाकांत देव, और इसके जो सेक्रेटरी थे वो देवेंद्रनाथ टैगोर थे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे देवेंद्रनाथ टैगोर और प्रेसिडेंट थे राधाकांत देव। कोई स्वतंत्र देव जी को मत कराना भाई, मजाक की बात है। नेक्स्ट, द अनआर्म्ड सन्यासीज वर किल्ड इन 1771 ऑन द ऑर्डर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? देखिए, ये जो अनआर्म सन्यासी थे 1771 में, किसके ऑर्डर से उनकी किलिंग हुई थी?
ये इस तरीके का क्वेश्चन आपके एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी रिसेंटली किसी संत के जो काफ़ी फेमस थे गिरी, उनकी डेथ हुई थी, तो इस तरीके के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में। मेहनत अभी उनकी, उनका हत्या हुई है या शायद सुसाइड किया उन्होंने, वो चल रहा है केस अभी। तो इसका आंसर होगा, देखो ये हुआ था 1771 में, सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुआ था ये, और बंगाल में जो अंग्रेजी हुकूमत है उसके खिलाफ सन्यासियों ने, किसानों ने और जो फकीर थे उन्होंने एक बहुत शक्तिशाली विद्रोह किया था। और उसका मेन रीजन क्या था, एक तो अकाल, अकाल के अलावा जो सन्यासियों पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगा दिया था उसको लेके भी गवर्नमेंट के प्रति ये नाराज़ थे। ये किलिंग की गई थी वारेन हास्टिंग्स के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ ड्रामा नील दर्पण, ये नील दर्पण के ऑथर कौन थे? ये नील दर्पण के जो ऑथर थे ये थे दीनबंधु मित्रा, ये लिटरेसी में बंगाल का काफी रोल रहा है। ये ही वॉज मोस्ट नोटेबल प्ले, इट इज नील दर्पण, और ये कब का है, 1860 का है ये। एक्चुअली ये ढाका में पब्लिश हुआ था और उसके बाद ही मेजर इस पे आर्ग्यूमेंट्स हो गई थी, न्यूज़पेपर में शुरू हो गई थी। और ये किस पे था, ये इस पे था कि जो किसान थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था इंडिगो, अपने खेतों में जो इंडिगो कल्टीवेशन है उसके लिए किसानों ने मना कर दिया था। द मेजर कॉज फॉर इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया इन पास्ट डिकेड इज, पिछले डिकेड में क्या मेजर कॉज रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसमें बढ़ोतरी हुई है। उसके जो मेन रीजन रहा है स्पेशली साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा हुआ है ये जो इंक्रीमेंट हुआ है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का। और उसका जो एक सबसे मेन जो देखा जाता है वो है एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट, टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है इसलिए इंक्रीजमेंट हुआ है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज ऑफिशियली नोन एज अफगान इंडियन फ्रेंडशिप डैम, अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम का जो ये है ये सलमा डैम है। सलमा डैम कहाँ पे है, सलमा डैम ये हरी रिवर पे है। हरी रिवर कहाँ पे है, ये जो चिश्ती शरीफ है, चिश्ती शरीफ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे है। और चिश्ती शरीफ डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, ये हेरात प्रोविंस में है अफगानिस्तान में, वेस्टर्न अफगानिस्तान में जो हेरात प्रोविंस है उसके चिश्ती डिस्ट्रिक्ट में हरी रिवर पे सलमा डैम है। इसको ऑफिशियली जाना जाता है इंडिया अफगान फ्रेंडशिप डैम। अमिनी द्वीप आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड आर सेपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, दीज आर सेपरेटेड बाय 11th पैरेलल नॉर्थ, ये जो 11 डिग्री है पैरेलल ये इनको सेपरेट करता है। देखिए ये क्या है, ये आइलैंड्स अभी जो आप यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, जो लक्षद्वीप है उसको पहले इन्हीं नामों से जाना जाता था, इन दोनों के साथ में एक मिनिकॉय और ऐड कर दीजिए मिनिकॉय, ये अलग अलग सेपरेट नेम्स थे इनके। लेकिन गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया 1973 में और इनका नाम कर दिया लक्षद्वीप। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड,
गोल्ड कोलार करेक्टली कौन से मैच हैं, गोल्ड कोलार ये सही है, कोयला झारिया ये भी सही है, कोपर खेतड़ी ये भी सही है, आयरन कुद्रेमुख ये भी सही है, ये चारों ही करेक्टली मैच कर रहे हैं। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अमंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। देखिए, द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वर्क्स एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड प्रेजाइड्स ओवर इट्स सेशंस। हाउएवर, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हु इज इलेक्टेड फ्रॉम अमंग्स द हाउस मेंबर्स टेक केयर ऑफ डे टू डे मैटर्स इन द हाउस इन द एबसेंस ऑफ चेयरमैन। सो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज वाइस प्रेसिडेंट। एलिमेंट्री एजुकेशन वॉज मेड ए फंडामेंटल राइट अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये देखिए, द 86 जो अमेंडमेंट एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 2002, इट प्रोवाइड्स राइट टू एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट, और ये किस में है, फंडामेंटल राइट्स पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और एट द सेम अमेंडमेंट इंसर्टेड आर्टिकल 21A, और ये क्या है, विच मेड राइट टू एजुकेशन ये फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द 6 to 14 ईयर्स। प्रोजेक्ट फॉग हॉर्न इसका एम क्या है, ये प्रोजेक्ट जो फॉग हॉर्न है एम्स टू, इट एम्स टू एक्सट्रैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सी वाटर टू प्रोवाइड ए न्यू लिक्विड फ्यूल। देखिए, अभी रिसेंटली ये प्रोजेक्ट चर्चा में है, बिकॉज इट एम्स टू एक्सट्रैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सी वाटर टू प्रोड्यूस ए न्यू लिक्विड फ्यूल, और ये लिक्विड फ्यूल कैसा है, इट इज सिमिलर टू कन्वेंशनल फ्यूल्स वी आर यूज नाउएडेज। इसमें जो टेक्निक काम में ली जा रही है वो भी अगर आपसे पूछी जाए तो टेक्निक है SOEC, समुद्र के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करके एक नया लिक्विड फ्यूल बनाया जा रहा है, वो किस टेक्नोलॉजी से बनाया जा रहा है, सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइजर सेल, सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइजर सेल। विच अमंग द फॉलोइंग इफेक्ट्स विल बी सीन ऑन डिपॉजिट रेट्स इफ आरबीआई टाइटन्स इट्स पॉलिसी। क्या डिपॉजिट रेट्स पे देख विल बी सीन, अगर आरबीआई इसकी पॉलिसी टाइट कर देते हैं इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये इंक्रीज हो जाएगी। जैसे पॉलिसी टाइट होगी इसकी रेट इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए, नॉट ए पार्ट ऑफ ब्रॉड मनी इन इंडिया। देखिए, ब्रॉड मनी क्या होता है, ब्रॉड मनी जो आपने कोई पोस्ट ऑफिस में सेविंग करवा दी वो M3 में आती है, एंड नाउ इट बिकम्स M4 एक्चुअली। तो पोस्ट ऑफिस में जो पैसा जमा करवाया वो ब्रॉड मनी में आता है। नैरो मनी क्या है, नैरो मनी इज द मोस्ट लिक्विड पार्ट ऑफ द मनी, लिक्विड पार्ट आप जानते हैं, बिकॉज द लिक्विड पार्ट ऑफ द मनी दैट सप्लाई बिकॉज द डिमांड डिपॉजिट कैन बी विड्रॉ एनी टाइम ड्यूरिंग द बैंक आवर्स। जो बैंक आवर्स के टाइम हम डिमांड के अकॉर्डिंग जो डिपॉजिट है वो नैरो मनी है। और ब्रॉड मनी क्या है, ब्रॉड मनी इट इज डिनोटेड बाई M3, और M3 क्या है, M3 इज नैरो मनी प्लस टाइम डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक विथ बैंक। सो इसका करेक्ट आंसर होगा
बैंक्स डिपॉजिट्स विथ आरबीआई, ये इसका पार्ट नहीं है। अदरवाइज डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक, करेंसी विथ पब्लिक, टाइम डिपॉजिट विथ बैंक, ये सभी ब्रॉड मनी के पार्ट हैं। इंटरबैंक या आरबीआई से बैंक डिपॉजिट, ये ब्रॉड मनी में नहीं आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशंस ऑफ सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम? देखिए, जो सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें लिमिटेशंस क्या है? आप ज़्यादा टैक्स नहीं बढ़ा सकते हैं, हाई टैक्स सोशली आप ज़्यादा टैक्स नहीं लगा सकते हैं, ये एक लिमिटेशन है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में टैक्सेज आर हाई ऑन द पीपल एज द स्टेट हैज टू प्रोवाइड ऑल द गुड्स एंड सर्विस टू ऑल, सभी चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं। बाकी ये जो तीनों हैं ये सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम के एडवांटेजेज हैं। व्हाट डज ये रोलिंग प्लान रेफर्स टू? रोलिंग प्लान क्या है? देखिए, इकोनॉमी के क्वेश्चन है ये। रोलिंग प्लान क्या होता है? रोलिंग प्लान में क्या होता है कि उस प्लान के अकॉर्डिंग ही डेट, उसका स्टार्टिंग डेट, उसका एंडिंग डेट, ये उस प्लान की परफॉर्मेंस के या उस प्लान के असेसमेंट के आधार पे ही तय किया जाता है। एंड रोलिंग प्लान कैन बी डिफाइंड एज द प्लान वेयर देयर इज नो फिक्सेशन ऑफ डेट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ कमेंसमेंट एंड द एंड ऑफ द प्लान। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रोलिंग प्लान वाज दैट नाउ एवरी ईयर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लान विल बी असेस्ड एंड न्यू प्लान विल बी मेड नेक्स्ट ईयर बेस्ड ऑन द असेसमेंट। सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? दिस वन, चेंजेज बोथ एलोकेशन एंड टारगेट एवरी ईयर, उसको रोलिंग प्लान बोलते हैं। क्या परफॉर्मेंस है उसकी, उसके असेसमेंट के आधार पर ही सब उसका डिसाइड होता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन पर्पज ऑफ द किसान रथ मोबाइल ऐप? ये किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है जो मिनिस्ट्री है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स। एग्रीकल्चर एंड जो फार्मर्स की यूनियन मिनिस्ट्री है, उन्होंने ये वेलफेयर लॉन्च किया है, किसान रथ। इट इज़ ए वेलफेयर मोबाइल ऐप। क्या करता है ये? इट फैसिलिटेट फार्मर्स एंड ट्रेडर्स इन सर्चिंग फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल फॉर द मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस। इस ऐप के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को सर्च कर सकते हैं ताकि अपना जो उनका प्रोड्यूस हुआ है एग्रीकल्चर, उसको सेल कर सकें। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मैच करना है लिस्ट वन और लिस्ट टू को। करते हैं रियो समिट। देखिए, रियो समिट है ये 1992 का है। इसको रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट या रियो समिट या रियो कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। ये यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इसका मैच होगा ये 1992, थर्ड वन। जोहान्सबर्ग अर्थ समिट, जो जोहान्सबर्ग अर्थ समिट हुआ है, ये हुआ है 2002 में हुआ है ये। ये किससे रिलेटेड है? वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ये अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में हुआ है। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? ये एक इंटरनेशनल ट्रेटी है विच एक्सटेंड द जो 1992 का यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, दैट कमिट्स स्टेट पार्टीज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन। सो क्योटो प्रोटोकॉल किससे एसोसिएटेड है? ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन से रिलेटेड है। एंड स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ये 1972 से एसोसिएटेड है। ये स्टॉकहोम कहाँ पे है? स्वीडन में। ये ह्यूमन एनवायरनमेंट से एसोसिएटेड है।
सो करेक्ट आंसर होगा इसका फर्स्ट वन। देखिए काफ़ी मेहनत से ये तैयार किया जाता है आपके लिए, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सपोर्ट रहेगा, मिलेगा उससे। नौजवान भारत सभा वाज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए जो नौजवान सभा है, नौजवान भारत सभा, ये 1926 में इसकी स्थापना की थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? एक तरीके से यूनाइट करना वर्कर्स, पीजेंट, यूथ, उनको यूनाइट करना था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ये भगत सिंह ने इसकी स्थापना की थी 1926 में, और अंग्रेज़ों ने इसको 1929 में बाद में बैन कर दिया था। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द सो कॉल्ड इंडो बर्मीज आर्क इज फेमस। देखिए जो इंडो बर्मा आर्क है, म्यांमार बोलते हैं, अब पहले बर्मा बोलते थे, आर्क, ये किस चीज़ के लिए फेमस है? इंडो बर्मीज जो आर्क है, इट इज़ फेमस फॉर एक्टिव सबडक्शन जोन लीडिंग टू फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स। इस रीजन में अर्थक्वेक्स बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट देखा जाए, पार्ट ऑफ ड्रग ट्रेड कॉरिडोर कॉल्ड गोल्डन ट्रायंगल, ये कौन सा हिस्सा है? ड्रग प्रोड्यूस इन द गोल्डन ट्रायंगल एंटर इंडिया थ्रू मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, और ये कहाँ से? फ्रॉम बामो, लासियो एंड मांडले, दैट रीजन म्यांमार। इसको बोलते हैं ड्रग ट्रेड कॉरिडोर। ये पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है, इसलिए बता रहा हूँ, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। डाइवर्स वैरायटी ऑफ एंडेमिक प्लानेट एंड एनिमल्स की बात करें, तो ये किस रीजन को बोला जाता है? ये फेमस है सिक्किम। सिंगल लार्जेस्ट कॉन्टिजियस टी ग्रोइंग रीजन इन द वर्ल्ड, ये कौन सा है? ये है आसाम। इन इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग हेड्स द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस? डिपार्टमेंट ऑफ जो स्पेस है उसको कौन ऐड करते हैं? देखिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, कमेटी, इंस्टीट्यूट या मिनिस्ट्रीज हैं जिनको खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो हेड करते हैं। जैसे नीति आयोग है, नीति आयोग है, या फिर हम बात करें नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल है, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी है, या फिर हम बात कर लें एनडीसी की, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, या फिर हम बात करें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस की, इन सभी को प्राइम मिनिस्टर ऐड करते हैं। विच टूर्नामेंट वुड बी कंडक्टेड दिस ईयर बाय द बीसीसीआई इन प्लेस ऑफ रणजी ट्रॉफी? रणजी ट्रॉफी की जगह अब बीसीसीआई कौन सा टूर्नामेंट कंडक्ट करवाएगी? देखिए इस साल बीसीसीआई ने डिसीजन किया है कि वो जो फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक टूर्नामेंट है रणजी ट्रॉफी, उसकी जगह वो विजय हजारे ट्रॉफी कंडक्ट करवाएंगे। ये बीसीसीआई ने डिसाइड किया है, और बीसीसीआई ने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने डिसाइड किया है एज द मेजोरिटी स्टेट्स, ज़्यादातर राज्यों की रिकमेंडेशन है कि अंडर 19 का जो नेशनल राष्ट्रीय स्तर पे एक दिवसीय टूर्नामेंट हो, और इसके अलावा जो विनोद माकड़ ट्रॉफी है वो भी करवाई जाए, और महिलाओं के लिए, विमेंस के लिए जो नेशनल 50 ओवर्स का टूर्नामेंट है वो भी करवाया जाए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अल्फा डाइवर्सिटी? देखिए अल्फा, बीटा, गामा, ये डाइवर्सिटी है आपके एनवायरनमेंट में। अल्फा डाइवर्सिटी के रिगार्डिंग इनमें से क्या सही है? अल्फा डाइवर्सिटी, इट इज़ द स्पेसीज डाइवर्सिटी विथ इन ए स्पेसिफाइड हैबिटेट, इट इज लोवेस्ट लेवल ऑफ कम्युनिटी। फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा,
अगर आप बीटा डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो बीटा डाइवर्सिटी क्या है, ये रेशियो है बिटवीन, किसके बीच में रेशियो है, ये रीजनल और जो लोकल स्पेसीज है उनके बीच में जो रेशियो है वो बीटा डाइवर्सिटी है। गामा डाइवर्सिटी की बात करें, ये एक रेंज ऑफ हैबिटेट है, रिचनेस, गामा में रिचनेस मैटर करता है, रिचनेस इन स्पेसीज ऑफ एनी लैंडस्केप, ज्योग्राफिकल एरिया या कोई आइलैंड, इसको गामा डाइवर्सिटी में कंसिडर किया जाए गया। सो दैट्स इट, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, होप यू गाइज लाइक इट, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।